दोस्तों, तो आज मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ। परसेंटेज मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, लेकिन आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो डिफरेंट होंगे। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि मिसलेनियस चीज है, ठीक है, और कुछ पहले जैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिएगा कि इसमें है कि एक दुकानदार के पास कुछ संतरे थे, अ शॉपकीपर हैड सम ऑरेंजेस, ठीक है। ही सेल्स 40% ऑरेंजेस एंड स्टिल ही हैज 420 ऑरेंजेस। मतलब ये क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार के पास कुछ संतरे थे, जिनमें से उसने क्या किए कि 40% संतरे बेच लिए। अब बेच लेने के बाद अभी भी उसके पास 420 संतरे बचे हुए हैं। तो कह रहा है कि एक्चुअल में उसके पास कितने संतरे थे, ठीक है। तो देखो भाई, उसके पास जितने भी संतरे थे वो उसका 100% था, है ना, उसकी 100% संपत्ति थी वो संतरा, ऐसे मान लेते हैं। अब इसमें से इसने 40% संतरे क्या किए, बेच दिए, तो कितना बच गया होगा? तो 60% बच गया होगा, है ना। आप समझ लो कि बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 60% संतरे बच गए। अब 60% संतरे बच गए तो बचा कितना है? 420 बचा है। अब सोच लो, किसी चीज का 60% अगर 420 है तो 100% कितना होगा, है ना, ऐसे निकाल लो। अगर 60% 420 है तो देखो, यहां से ना आप कई तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कि एक तो है कि इसका 1% निकाल लो तो कितना हो गया, इधर दोनों तरफ 60 से भाग दोगे, या यूं कहो कि ये आके इधर भाग दे देगा, तो 420 अपन 60, है ना, 6 7 42, है ना, 1% कितना हुआ, 7 हुआ, है ना। तो 100% कितना हुआ, 100 से गुना कर दो 7 में, है ना, तो कितना हुआ, 700% हुआ। एक तो ये तरीका भी आप कर सकते हो, है ना, 7, आई एम सॉरी, 700 संतरे हुए, है ना, 700 संतरे हुए, ठीक है, 700 संतरे हो गए। अब दोस्तों, एक तो ये तरीका, एक ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि भाई उसके पास कितने हैं, 100 संतरे हैं, है ना, ठीक है, 100 संतरे में से 40%, मतलब 40 संतरे उसने बेच लिए, 60 संतरे बच गए, ठीक है ना, 60 संतरे बच गए। तो अब देखो, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 60 संतरे अगर बचे हैं तो ओरिजिनली 100 थे, तो एक पे ओरिजिनली कितने होंगे, 100 बट्टा 60, तो 420 पे, है ना, तो 100 बट्टा 60 गुणे 420, है ना, 6 7 42, ठीक है, तो 700 हो गए। ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं। या फिर इसको ऐसे करते हैं कि 100% तो उसके पास संतरे थे, 40% उसने बेच लिए, 60% बच गए। अब 60% की वैल्यू कितनी है, 420 है। तो पिछली बार तो मैंने सीधा 1% निकाला था, 1% की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 10% निकालना आसान है। देखो, 6 से भाग दे दो, 10% आ गया, 70 हो गए। अब देखो, अगर 10 को 100 करना हो तो क्या करना होता है, एक एक जीरो बढ़ाना होता है, तो 100% कितना हो गया, 700, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बड़ा आसान है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि भाई, एक आदमी जो है क्या करता है कि किसी नंबर को 3/5 से गुणा करता है, जबकि उसको गुणा करनी थी 5/3 से। आप चीज को समझो, एक आदमी को किसी नंबर को 5/3 से गुणा करनी थी, ये सही है, लेकिन गलती से उसने इससे गुणा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। तो अब पूछ रहा है कि अब कैलकुलेशन में कितने प्रतिशत की एरर आएगी, कितने प्रतिशत की गलती आएगी, है ना, ठीक है ना। तो देखो, अब सीधी सी बात है कि भाई, आप ना कोई भी एक नंबर ले लो। अब कोई भी नंबर हम क्या ले लें, तो देखो, एक तो 3/5 है, इससे गुना उसने कर दिया जबकि करना था 5/3 से, है ना। तो अब ऐसा लेते हैं जिसमें 5 और 3 से भाग लग जाए, 5 और 3 का मल्टीपल ले लो तो बड़ी अच्छी बात है। मान लो संख्या 15 है, ठीक है। अब 15 में गुना करना था 5/3 से, तो कितनी आती भाई, तो रिजल्ट आता 25, 25 आना चाहिए था, ये सही है, ठीक है। लेकिन उस आदमी ने क्या गलती की कि 3/5 से गुना कर दिया, है ना, तो रिजल्ट उसका 9 आ गया।
आप समझ रहे हैं ना, यस नो। तो अब देखो 15 की जगह 9 आ गया, तो कितना का फर्क आ गया, तो 16 का फर्क आ गया, है ना। तो देखो अगर 25 पे 16 का एरर आए तो 100 पे कितने का एरर आएगा, 25 चौका 100, 16 चौका 64। तो ये आप मेरी बात समझ गए, चीजों को समझिए आप, तरीके से समझिए। देखिए इसको मैं एक्स मान के भी आप कर सकते हैं। देखिए माना कि, है ना, माना कि, ना, वह संख्या माना कि वह संख्या एक्स है, राइट। माना कि वह संख्या क्या है, एक्स है। अब भाई एक्स को किसी को गुना करना है, सपोज 5/3 से, तो रिजल्ट कितना आएगा, 5x/3 आएगा। लेकिन ये तो सही है, यही होना चाहिए था, लेकिन गलती से उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट 3x/5 आ गया। तो कितना का फर्क आ गया, है ना, आखिर फर्क कितना का आ गया। ठीक है, तो देखा जाए तो देखते हैं कितने का फर्क आ गया, 5x/3 - 3x/5, है ना, ये घटा के देख लेंगे, इतना ही का अंतर आया होगा। ठीक है, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, 15 आ गया, है ना, तो यहाँ पे आ गया, अच्छा 25x - 9, 16x/15 का फर्क आ गया। पता नहीं कैसे निकाला, इसका एलसीएम 15 आया, 3 से 15 में भाग दिया 5, 5 से 5 में गुना किया 25, 5 से 3 में भाग, 5 से 15 में भाग दिया 3, और 3 से 3 में गुना किया 9, तो इतना फर्क आ गया। अब देखो एक्चुअल में कितना आना चाहिए था, तो 5x/3, लेकिन इसमें 16x/15 का फर्क आ गया, तो 100 पे कितने का, यही परसेंटेज कहलाता है, 100 पे जो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो कर लो इसको सॉल्व। तो 16x/15 × 3/5x × 100, राइट। तो सॉल्व करते हैं, है ना, तो यहां से ये कैसे आएगा, देखो 3 × 5 = 15, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल, 25 चौका 100, 16 चौका 64, आंसर आ गया। ठीक है, तो इससे अच्छा नंबर मान के कीजिए, ये कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, है ना। देखो इसमें कह रहा है कि यदि किसी आदमी की मंथली सैलरी इतना बढ़ जाती है, इतना परसेंट, और ये बढ़ जाने से उसको जो है 72 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो उसकी ही मंथली सैलरी इज हाउ मच, तो उसकी जो है मंथली सैलरी कितनी है ना। अब देखो कितना बढ़ रहा है, 2/3%, 2/3%, हिंदी में बोले तो 2 सही 2/3%, ठीक है, इतना इंक्रीमेंट हो गया। अब इतना इंक्रीमेंट का मतलब क्या, इसको जो है अगर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करें, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3 × 2 = 6, ठीक है ना, 6 में ऊपर का 2 जुड़ जाएगा, 8/3% हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इंक्रीमेंट होता है ना, इतना बढ़ोतरी होती है सैलरी में, तो कितना रुपये बढ़ रहा है, 72 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो देखो भाई अगर सीधी सी बात है कि देखा जाए, वो इसका मतलब क्या है, 8/8 क्या हो गया कि 3% अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो है ये किसके बराबर है, 72 के बराबर है ना, इतना परसेंट 72 के बराबर है। ठीक है, राइट, है ना। तो अब जो